2017 वेरिएंस 12 पढ़ लिया था, आज हम जून 17 वेरिएंस 12 करेंगे, ठीक है। 1 आवर का ये पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे। दैट मींस कि 1 क्वेश्चन आपने 1 मिनट और 20 सेकंड्स के अंदर करना है, तब जाके पेपर कंप्लीट होगा आपका। पीरियोडिक टेबल मिलेगा, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द डायग्राम शोज 4 पीसेस ऑफ एपरेटस दैट आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस और लिक्विड। विच पीस ऑफ एपरेटस शुड ऑलवेज बी फिल्ड टू द सेम लेवल। फिल्ड टू द सेम लेवल सिर्फ और सिर्फ उसमें होगा जहां पर नो ग्रेजुएशन, जहां पर ग्रेजुएशन मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन मार्क्स अवेलेबल है, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन मार्क्स अवेलेबल है, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां पर भी ग्रेजुएशन मार्क्स अवेलेबल है। एंड देयरफॉर डी इज द राइट आंसर बिकॉज यू हैव ओनली 1 ग्रेजुएशन मार्क हियर, सो यू विल गेट फिक्स्ड वॉल्यूम हियर। सो फिक्स्ड वॉल्यूम मिलेगा तुम्हें पेपिट के अंदर। राइट, ए बी सी तीनों में वॉल्यूम वेरी कर सकता है, फिक्स नहीं हो सकता। डी में फिक्स मिलेगा हमेशा, ठीक है बेटे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है। विच ऑफ एक्स एंड वाई कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इसलिए क्रॉस। तो कॉम्पिटिशन इसका मतलब सी और डी के अंदर होगा, तो वाई के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए कि ये आपके पास क्या है, डायमंड, और ये क्या है आपके पास, ग्रेफाइट। अब अगर आपको याद हो, मैंने नोट्स में आपको लिखवाया था कि स्ट्रक्चर बनवाएगा नहीं लेकिन आपको याद होने चाहिए। तो जब आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको पता होगा कि ये डायमंड है, आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको पता होगा ये ग्रेफाइट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अलर्ट रहना, सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटे। An aqueous solution of zinc chloride is tested by adding reagents. Which observation is correct? अगर मैं acidified aqueous barium nitrate add करूँगा तो it forms a white precipitate. ये wrong हो गया क्योंकि barium chloride जो है, okay, ये wrong हो गया इसलिए क्योंकि barium nitrate zinc chloride से reaction नहीं करेगा। ठीक है, B देखिए, aqueous ammonia forms a white precipitate soluble in excess of zinc reagent. That's right. ये zinc का वो है test. That is the test for zinc ions. Zinc ions white precipitates देते हैं. With ammonia. Precipitates soluble होते हैं. In excess aqueous ammonia. ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका आंसर मेरे लिए तो B है, लेकिन मैं C और D भी पढ़ लेता हूँ। अगर मैं aqueous sodium hydroxide use करूँगा, तो forms of white precipitates insoluble in excess. नहीं भाई, ये soluble होता है, इसलिए ये भी गलत। Powdered copper forms a grey precipitate. नहीं, copper की तो reactivity कम होती है ना, तो zinc chloride से reaction नहीं करेगा, तो ये भी गलत। ठीक है, question number 4, which statement about particles is correct? अच्छा, इसमें particles की जो statement है वो देख लेते हैं, correct क्या है। यहां पर 9 protons हैं, यहां पर 10 electrons हैं और यहां पर 10 neutrons हैं। यहां 10 protons, 10 electrons, 10 neutrons, यहां पर 11 protons, 10 electrons,
12 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा, दे ऑल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, नहीं ऐसा तो नहीं है, इस केस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। दे ऑल कंटेन मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, नहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम हो गए, इसलिए ये भी गलत हो गया। दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए डी सी इज द राइट आंसर। चलें डी भी देख लेते हैं, दे ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं भाई यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा, ठीक। The table shows some properties of four substances. Which substance is an ionic compound? बेटा ionic compound solid में electricity conduct नहीं करता, water में dissolve हो जाता है, electricity conduct करता है in aqueous solution में, लेकिन लेकिन उसका melting और boiling point ज्यादा होता है, तो ionic compound का melting और boiling point ज्यादा होगा, तो ये है बेटा सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है सॉलिड में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, एक मिनट, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आंसर इज बी, ठीक है बेटा, आंसर इज बी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वाटर में डिजोल्व होता है और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, तो बी इज द राइट आंसर। सर व्हाई नॉट सी, बेटा सी इसलिए गलत है क्योंकि सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। सर व्हाई नॉट डी, बेटा डी इसलिए गलत है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट 3000 होता नहीं है और सॉलिड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वाटर में डिसॉल्व होता है जबकि वो कह रहा है नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सोल्यूशन में जबकि वो कह रहा है नहीं करता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अलर्ट रहिएगा प्लीज। Four samples are spotted onto chromatography paper. It is known that one of these samples is pure compound Q. A separate sample of pure compound Q is also spotted onto the paper. This paper is placed in a solvent. The diagram shows the chromatogram produced. ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो लाइन है ये सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन है, ये स्टार्टिंग की लाइन है, ये आपके सैंपल्स हैं 1, 2, 3, 4 और ये सैंपल Q आ गया, ठीक है, और ये मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं। देखो मैं एक चीज बता दूं, जो आपका सैंपल वन है वो यहां तक उसने यहां तक ट्रेवल किया है, सैंपल टू ने यहां तक ट्रेवल किया है, सैंपल वन ने यहां तक ट्रेवल किया है, टू ने यहां तक ट्रेवल किया है, थ्री ने यहां तक ट्रेवल किया है, क्यू ने यहां तक ट्रेवल किया है, फोर ने यहां तक ट्रेवल किया, सही है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेवलिंग है ना वो इसने की है, यहां लिख देते हैं, greater traveler, या ये भी कह सकता हूं travel furthest, तो ये सबसे ज्यादा travel इसने किया, तमाम samples में से सबसे ज्यादा travel इसने किया। चलो option देखते हैं one by one, sample two has traveled furthest, नहीं sample two ने नहीं सबसे ज्यादा travel किया, sample four ने सबसे ज्यादा travel किया, इसलिए option है wrong। सैंपल थ्री हैज ट्रेवल द फर्दस्ट, ये भी रॉन्ग क्योंकि सैंपल फोर ने ट्रेवल सबसे ज्यादा किया, सैंपल फोर हैज ट्रेवल फर्दर, ये यहां तक तो ठीक है बात, लेकिन आगे चले जरा, एंड सैंपल वन इज प्योर कंपाउंड क्यू, वो कह रहा है सैंपल वन प्योर कंपाउंड क्यू, वो कह रहा है प्योर कंपाउंड क्यू सैंपल वन है, तो ये बात इसलिए गलत हो गई क्योंकि सैंपल टू भी आ रहा है, इससे टैली हो रहा है सैंपल टू, सैंपल क्यू के साथ साथ सैंपल टू भी तो टैली हो रहा है ना, प्योर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सैंपल दो चीजें आ गई हैं, सही है, सैंपल वन में सैंपल टू भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, तो मिक्सचर हो गया, इसका मतलब ये प्योर नहीं होगा, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं इट इज अ मिक्सचर, हेंस इट इज नॉट प्योर, टू एंड क्यू, हेंस इट इज नॉट प्योर, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा डी, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है सैंपल फोर हैज ट्रेवल्ड फर्दर, जो कि बिल्कुल सही बात है, एंड सैंपल टू इज प्योर कंपाउंड,
तो बिल्कुल सही बात है, इस सैंपल टू के अंदर सैंपल क्यू है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों एक दूसरे से टैली हो रहे हैं। तो डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स शोन कंटेन ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड? बेटा वन कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स आपको मैंने लिस्ट करवाई थी, अगर आपको याद हो। ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये तीनों मॉलिक्यूल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब ब्रावो इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट सल्फर एंड इट्स कंपाउंड आर करेक्ट? वो कह रहे हैं सल्फर इज इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हैज 6 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि सल्फर जो है वो ग्रुप 6 का एलिमेंट है और इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। वो कह रहे हैं इन एच हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सही बात है, H2S में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है और जब भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ ब्लीच, बिल्कुल सही बात है, ब्लीचिंग वुड पल्प में इस्तेमाल होता है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अलर्ट रहना। 50 cm cube of 0.1 mole per dm cube silver nitrate is added to 150 cm cube of 0.05 mole per dm cube sodium chloride in a beaker as well as solid silver chloride. What is present in the beaker after the reaction? Okay, what is present in the beaker after the reaction? ये देखना है। तो भाई सबसे पहला काम मैं moles of silver nitrate निकाल लूंगा। अलर्ट रहना जरा, 50 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 0.1 से, डिवाइड कर दूंगा 1000 से, सो बेटा मेरे पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.005। ठीक है, सिमिलरली ये मैंने मोल्स कैलकुलेट कर लिए सिल्वर नाइट्रेट के, सिमिलरली बेटा मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा सिल्वर सोडियम क्लोराइड के। ये हो जाएगा आपके पास 150 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.0075 मोल्स। ठीक है, तो आपको यहां से एक बात तो पता चल गई कि इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट लिमिटिंग रिएक्टेंट है जबकि NaCl जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है। ये पता चल गया आपको? तो आप पहला पॉइंट यहां से क्या बोलेंगे, NaCl इज इन एक्सेस। दूसरा पॉइंट आप क्या बोलेंगे, AgNO3 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है बेटा, ये दो बातें हो गई। अच्छा, अब आप ये भी जानते हैं कि जनाब सिल्वर नाइट्रेट ये तीसरी बात है और NaCl ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे AgCl और NaNO3 में, राइट? तो अब जरा देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं वन बाय वन। आफ्टर रिएक्शन बीकर में क्या चीज होगी ये पूछ रहा है वो मुझसे। तो वो कह रहा है एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वस सोडियम नाइट्रेट, नहीं भाई ये तो नहीं अवेलेबल होगा। आफ्टर द रिएक्शन बीकर में सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 अवेलेबल होगा। ठीक है, एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड एक्वस सोडियम नाइट्रेट, नहीं जी एक्वस सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, सोडियम नाइट्रेट होगा, तो ये गलत हो गया। एक्वस सोडियम क्लोराइड ओनली, नहीं जी ये भी गलत हो गया। एक्वस सोडियम नाइट्रेट ओनली, सो बी इज द राइट आंसर, ये सही है। उसकी वजह सर वाई, बिकॉज सोडियम नाइट्रेट तो फॉर्म होगा ही होगा, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है, और आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड भी बनेगा क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट के अंदर, वो भी रह जाएगा ना कुछ ना कुछ, इसलिए बी आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों एब्सोल्युटली रॉन्ग होंगे, इसलिए क्योंकि सोडियम क्लोराइड रहे, सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, सोडियम नाइट्रेट भी होगा।
सिर्फ सोडियम नाइट्रेट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड भी होगा क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट नहीं होगा इसलिए क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। होप यू गेट द लॉजिक नाउ। आगे चले, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। What is the maximum volume of nitrogen dioxide that could be obtained when 1 dm cube of nitrogen monoxide reacts with 2 dm cube of oxygen? मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पर कितने मोल्स हैं? NO के 2, यहाँ पर भी NO2 के कितने मोल्स हैं? 2, तो मोलर रेशियो सेम है। जब मोलर रेशियो सेम होगा तो सेम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, सही है? बात समझ में आ रही है? तो अगर 1 dm cube ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपके पास वॉल्यूम कितना होगा बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का? 1। तो आप यहां पर बता दीजिए, सिमिलर मोलर रेशियो, गिव्स सेम वॉल्यूम, सही है? सिमिलर मोलर रेशियो गिव्स सेम वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम अगर 1 dm cube नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का है तो NO2 का भी 1 होगा, ठीक है? ये देखो, ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है। वो कह रहा है अगर ये 1 dm cube है तो ऑब्वियसली ये भी 1 dm cube हो जाएगा बेटा, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन यूनिट इलेक्ट्रोड्स, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? यार पहली तो बात ये कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं तो ऑब्वियसली उसमें हाइड्रोजन आइंस होंगे, उसमें हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे और उसमें सल्फेट आइंस भी होंगे, राइट? आप जानते हो हाइड्रोजन आइन जो है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में चला जाएगा एट कैथोड, ये आपके पास हो जाएगा ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एट एनोड, ठीक है? ऑल राइट। और आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन चले जाएंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, सो दिस मेक्स, सो दिस मेक्स द इलेक्ट्रोलाइट मोर कॉन्सेंट्रेटेड after removal of water, H और OH का जाना is basically water का removal होना, ठीक है? तो आप जरा देखिएगा, hydrogen is released at the negative electrode, ये बिल्कुल सही बात है, oxygen gas is released at the positive electrode, ये भी बिल्कुल सही बात है, sulfur dioxide gas is released at the positive electrode, sulfur dioxide बनती नहीं है तो ये गलत हो गया, acid becomes more concentrated, ये भी ठीक है, तो 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, तो इसलिए अल्फा इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा? उसके बाद वो सीजियम इज इन ग्रुप, इज इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज सोडियम, तो मेरी बात गौर से सुने, अगर सोडियम ग्रुप 1 का है तो सीजियम भी क्या होगा? ग्रुप 1 का। व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सीजियम क्लोराइड? तो भाई पहली बात, सीजियम आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे, दूसरी बात क्लोराइड आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा, यहां से हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में डिस्चार्ज होगा एट कैथोड, आपको पूरे के पूरे नोट्स और उनके केसेस याद हो, ठीक है? और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड की ज्यादा है तो क्लोराइड आयन जाएगा ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन जाएगा, और कहां पर बनेगा? एट एनोड। तो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, क्लोरीन गैस एट एनोड, ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और क्लोरीन गैस एट एनोड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, इसका मतलब कॉम्पिटिशन ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, यहां से हाइड्रोजन चला गया, यहां से क्लोराइड चला गया, तो व्हाट विल बी लेफ्ट? व्हाट विल बी लेफ्ट? सीजियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सीजियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, which makes the solution alkaline, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड कहां बनेगा?
ऑप्शन सी में बनेगा एंड देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो आप यहां पर लिख दीजिए सीजियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव सीजियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा. देखिए मैंने समझाने के लिए इतना काम किया है, वरना अगर आपको चीजें याद हैं तो आपको फौरन पता है यार सिंपल कैसे काम करूंगा मैं शॉर्टकट कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है इसका मतलब क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होगा एट एनोड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस. जाहिर बात है सीजियम की रिएक्टिविटी सीजियम का लाइन ऑफ डिस्चार्ज से दूर होगा इसलिए हाइड्रोजन आयन जाएगा एट कैथोड. आपको पता है सीजियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नेवर डिस्चार्जेस दे विल रिएक्ट टुगेदर टू गिव सीजियम हाइड्रोक्साइड टू सी इज द राइट आंसर. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इलेक्ट्रोलिसिस. मतलब आपको ये वर्किंग करने की जरूरत ना पड़े, दिमाग में सोच लें आप इतना स्पीड से काम करना है बिकॉज 1 मिनट एंड 20 सेकंड्स के अंदर आपको एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है. मीनिंग कि आपने क्वेश्चन पढ़ना है, वर्किंग करनी है और करेक्ट आंसर ऑप्ट करके आपने हाईलाइट करना है अपनी आंसर शीट के अंदर. सही है. क्वेश्चन नंबर 13. द डायग्राम शोज द एपरेटस फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपरोसल्फेट. भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपरोसल्फेट है. आगे चलें. इन एक्सपेरिमेंट एक्स बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट. इन एक्सपेरिमेंट वाई बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ दिस. ये इनर्ट है और एक्सपेरिमेंट वाई में कॉपर है. आगे चलें. ये देखो ये क्या हो गया आपके पास, ये एक्स है और ये क्या हो गया बेटा आपके पास वाई है. ठीक है, इसमें दोनों जगह कॉपर है और इसमें दोनों जगह क्या है बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है. लेकिन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दोनों में क्या है सेम. राइट, ये देख लो. आगे चलो. वो कह रहा है ऑन विच इलेक्ट्रोड इज सॉलिड मेटल डिपॉजिटेड. आपको पता है जब कॉपर सल्फेट होता है तो कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इजंट इट. तो कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड तो दोनों में होगा. यहां लिख दीजिए कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड. और अगर आप मेरे नोट्स चेक करेंगे तो नोट्स में मैंने ये दोनों दोनों केसेस आपके साथ शेयर किए हैं और दोनों केसेस में कॉपर मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है. इसका मतलब कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे. कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड तो ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है. तो इलेक्ट्रोड 2 एंड इलेक्ट्रोड 4. सो बेटा सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ये देख लीजिएगा दैट इज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड. सर ये आपको कैसे पता चला कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. बेटा मेरे नोट्स में चेक करना, मैंने लिखवाया आपको कि कैथोड इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हिच इज व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. ये लिखवाया मैंने आपको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. The energy profile diagram for the forward reaction for the forward direction of a reversible reaction is shown. Forward direction की बात कर रहा है और forward को उसने bold किया है. ठीक है, पहली तो बात ये हो गई. दूसरी बात delta H की value क्या है, ये दी हुई है and this shows कि reaction क्या होगा endothermic. ठीक है, आगे चलें. फॉर द रिवर्स रिएक्शन उसने कहा है भाई रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम. विच रो करेक्टली शोज द साइन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द एंथैल्पी चेंज. यार फॉर रिवर्स रिएक्शन, एक मिनट बेटा, फॉर रिवर्स रिएक्शन एंथैल्पी चेंज शुड बी एक्सोथर्मिक. ठीक है ना, आप बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है सो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा एक्सो. सही, तो
एंथैल्पी चेंज क्या होगी रिवर्स रिएक्शन की, एक्सो, एक्सो ऑप्शन बी में लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है, तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन बी और डी में है बेटा, सही है। अब एंथैल्पी से तो पता चल गया कि या तो बी है या डी है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी का साइन क्या होना चाहिए ये मालूम करना चाहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे रिवर्स रिएक्शन हो, इट विल रिमेन सेम, इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो आप बताइए एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, तो डी इज द राइट आंसर। सो एक्टिवेशन एनर्जी पे चेंज नहीं आएगा, सही है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। फिफ्टीन देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मे अकर इन थ्री स्टेजेस, ठीक है। इसमें देखो मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, सही। इधर देखो एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस इज एक्सो, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब कंडेंसेशन हो रही है, तो कंडेंसेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, सही है। तो अब यहां लिख दो एक्सोथर्मिक बिकॉज इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन, गैस से बेटा लिक्विड में आ रहा है ये बताना है, ठीक है। तो वो आपसे पूछा है विच स्टेजेस वुड बी एक्सोथर्मिक, तो बेटा टू और थ्री, तो सी इज द राइट आंसर। ओह माय गुडनेस, क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्केचेस इन इट, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से सुने मेरी बात, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करनी होगी, विद इन 1 मिनट एंड 20 सेकंड यू नीड टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नीड टू एनालाइज लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। इन 4 सेपरेट एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 and 4, nitric acid was added to excess marble chips, यानी calcium carbonate excess amount के अंदर है, और मैं उसमें nitric acid add कर रहा हूँ, and the volume of carbon dioxide form was measured, ठीक है, volume of carbon dioxide measure कर रहा हूँ। In all 4 experiment, the same volume of nitric acid was used, ठीक हो गया, same volume of nitric acid was used, ये important बात थी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, its concentration or temperature or both concentration and temperature were changed. वो कह रहा है concentration भी change हो सकती है, temperature भी change हो सकती है, दोनों भी change हो सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है the result of the experiments are shown on the graph, ठीक है, all right. अल्लाह अकबर, जरा देखिएगा, देखिएगा जरा एक्सपेरिमेंट वन का हायर ग्रेडियंट है ना, मैं आप बता देता हूं कि एक्सपेरिमेंट वन हैज हायर ग्रेडियंट so it has higher rate of reaction, agar higher gradient hai to higher rate of reaction hoga, aur agar higher rate of reaction hai to iska matlab iska temperature bhi zyada ho sakta hai, iski concentration bhi zyada ho sakti hai is experiment ki, hai na, so we can expect ki temperature aur concentration dono zyada ho sakti hai,
can expect its concentration or temperature must be higher. ठीक है बेटा, अच्छा अब जरा देखिएगा, एक्सपेरिमेंट थ्री का ग्रेडियंट कम है, एक मिनट बेटा, ठीक है, सो आप यहां बता दीजिए कि एक्सपेरिमेंट थ्री हैज लोअर ग्रेडियंट, thus its rate of reaction is slower, so it has lower concentration or temperature. सही बेटा, दोनों में से कोई भी एक चीज कम हो सकती है, या तो टेम्परेचर कम हो सकता है या कंसंट्रेशन कम हो सकती है, कहने का मतलब ये है, राइट? हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि एक्सपेरिमेंट वन का ग्रेडियंट ज्यादा है और एक्सपेरिमेंट थ्री का, अगर मैं थ्री और फोर में कंपेयर करूं तो थ्री का ज्यादा है, वन और टू में कंपेयर करूं तो वन का ज्यादा है. आगे पढ़ते हैं कहा क्या है उसने, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. वो कह रहा है अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वॉज यूज इन एक्सपेरिमेंट थ्री देन इन एक्सपेरिमेंट वन, जो कि मैंने लिखा है कि एक्सपेरिमेंट थ्री की कंसंट्रेशन कम है एक्सपेरिमेंट वन से, कंपेयर करूंगा क्योंकि दोनों का इनिशियल ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंट है, इजंट इट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए. सर व्हाई नॉट बी, चलो आगे पढ़ते हैं. एक्सपेरिमेंट फोर वाज फास्टर देन एक्सपेरिमेंट थ्री. ओ नहीं भाई, एक्सपेरिमेंट फोर का तो ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंट थ्री से भी कम है, तो उसका तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, फास्टर नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया. The acid used in experiment 2 was of a lower concentration than in experiment 1. नहीं भाई, ऐसा नहीं है. Experiment 2 का gradient experiment 1 से कम है, इसका मतलब उसकी concentration कम थी, तो concentration ज्यादा नहीं हो सकती. उसमें तो दोनों की concentration same थी ना, right? I mean same volume use हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द एसिड वॉज द सेम, ये हमें मालूम नहीं है, उसने कोई कंडीशन हमें नहीं दी, ठीक है, इसलिए हम कह नहीं सकते, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. What would decrease the yield of sulfur trioxide? यार अगर sulfur trioxide की yield decrease करनी है तो equilibrium को backward direction में जाना चाहिए. Equilibrium उस वक्त backward direction में जाएगा जब आप exothermic reaction में temperature को increase करेंगे या pressure को decrease करेंगे. दोनों में से कोई एक option लिखा होगा. तो अगर sulfur trioxide की yield decrease करनी है तो temperature को increase करना है, which is why C is the right answer. सही है, decrease the yield of sulfur trioxide. तो आप यहां पर क्या लिखोगे, increasing the temperature in exothermic reaction favors equilibrium towards left hand side, thus yield of SO3 decreases. देखिए बेटा, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है ना, तो अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब आपका ये जो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल है ये आपका टॉपिक वीक है,
तो आप क्या करें, आप नोट्स में जाइए और ली शटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाए। जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है इसका मतलब वो टॉपिक आपका वीक है। आप क्या करें, उस टॉपिक को उसी वक्त बैठ के रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद उस रॉन्ग क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करें, वो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा गैप क्या आ रहा है, मेरा वीक एरिया क्या है, मैं टॉपिक मेरा मैं भूल गया हूं या उस टॉपिक की जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भूल गया हूं। दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, सही है। हमेशा इस तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। 18, जिंक रिएक्टेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द रिएक्शन, ठीक है, बहुत आसान सा है बेटा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये 0 से 2+ हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये हाइड्रोजन +1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब ये रिडॉक्स है। तो ए इज द राइट आंसर, सही है। सर व्हाई नॉट डी, ओ भाई जो कैटलिस्ट होता है वो तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिकवर हो जाता है ना, तो जिंक तो रिकवर ही नहीं होता, वो तो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये गलत। जिंक एक मेटल है, इट कैन नॉट एक्ट एज अ बेस, ये भी गलत। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पता कैसे चलेगा, कंफर्म कौन कर रहा है, क्योंकि एग्जामिनर ने तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है कि ये एक्सो या एंडो, इसलिए ये भी गलत। अल्फा इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द 3 रिएक्शंस, अलर्ट रहना, रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवाया है कि व्हेन एनी अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद एनी एल्कली ऑलवेज अमोनिया गैस इज गिवन ऑफ, राइट। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे अमोनिया गैस प्रोवाइड करेंगे। मैं लिख देता हूं इस स्टेटमेंट को, एनी अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद एल्कली अमोनिया गैस इज गिवन ऑफ। आगे चलो, इथेन बर्निंग इन एयर, तो इसको कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं हम। मुझे नहीं पता रिएक्ट आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म। देखो मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन की, मैंने भी ऑप्शंस नहीं पढ़े। रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, तो भाई एस्टर एंड वाटर इज फॉर्म, ठीक है। सर आपने इसकी प्रोडक्ट बताई, इसकी प्रोडक्ट बताई, इसकी तो प्रोडक्ट बताएं क्या बनेगा, ठीक है। मैं इसकी भी प्रोडक्ट बता देता हूं भाई, क्या क्या बनेगी। ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर, ये प्रोडक्ट है। चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर ऑल दीज 3 रिएक्शंस, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। बेटा इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, भाई ये कंबस्शन है, ठीक है, ये स्टेरिफिकेशन है, तो ये भी गलत हो गया। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कंबस्शन में ऑक्सीडेशन होती है, बाकियों में नहीं हो रही, तो ये भी गलत हो गया। वाटर इज फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी वाटर बन रहा है, यहाँ भी वाटर बन रहा है, इस तीसरे में भी वाटर बन रहा है, तो डेल्टा इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों रिएक्शन में वाटर बना है। देखा आपने कि मैंने पहले की एनालिसिस की, दूसरे की तीसरे की और करने के बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखने के बाद सारी चीजें डिटरमिन करने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई वाटर बन रहा है तीनों में, इसलिए डी इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट अबाउट वीक एसिड इज करेक्ट, वीक एसिड हमेशा पार्टली आयोनाइज होता है, इजंट इट, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। सर व्हाई नॉट बी, दे डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, भाई वीक एसिड भी मेटल से रिएक्शन करते हैं, मैंने इथेनोइक एसिड को मैग्नीशियम से कैल्शियम से रिएक्शन करके दिया है नोट्स के अंदर, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दे डू नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, भाई इथेनोइक एसिड NaOH से रिएक्शन करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। देयर सॉल्यूशन हैव अ पीएच वैल्यू 0 to 2, वीक एसिड की पीएच 3 to 5 होती है, ये भी गलत हो गया। ये सब चीजें नोट्स में दी नहीं है मैंने आपको,
ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड प्लीज। All right, let's resume the class. Which gas dissolves in water to give a solution with the... Just hold on a second, beta. मैं देख लूँ आप लोगों के questions क्या हैं। फाखरा मैं थोड़ी देर में एड्रेस करता हूँ बेटा, एंड में एड्रेस कर दूंगा सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, ठीक है? डोंट वरी, एक फ्लो में चल रहा है ना बेटा, अभी पेपर कंप्लीट हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच गैस डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ग्रेटर देन 7। बाय पीएच ग्रेटर देन 7 हमेशा किसकी होती है? एल्कलाइन सॉल्यूशन की होती है। तो कौन सी गैस एल्कलाइन सॉल्यूशन देगी? अमोनिया is an alkaline gas, gives alkaline solution obviously. ये मैंने पत्नी कितने दिन से ये बात कह रहा हूं मैं कि अमोनिया इज द ओनली अल्कलाइन गैस, अगर मैं उसका सोल्यूशन बनाऊंगा वाटर में प्लेस करूंगा तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन देगा जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। ठीक है सर, वाई नॉट बी सी एंड डी? बेटा ये तीनों की तीनों ऑल आर एसिडिक गैसेस, ये तीनों एसिडिक गैसेस हैं, एसिडिक सॉल्यूशन देंगे जिसकी पीएच 7 से कम होगी। एसिडिक गैसेस हैं, गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन विद पीएच 7.0। ठीक है 22 Element X forms an oxide of formula X2O5. In which group of the periodic table is X likely to be found? यार ये बहुत आसान है, बहुत। देखो ये फॉर्मूला है ना आपके पास X2O5, तो X के ऊपर चार्ज कितना होगा? 5 प्लस, और O के ऊपर चार्ज कितना होगा? 2 माइनस, राइट? तो अगर x के ऊपर 5 प्लस चार्ज है तो इसका मतलब इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 5 किसमें है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है ये जजमेंट हो गई मेरी, फॉर्मूले से जजमेंट की है मैंने। एलिमेंट एम इज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, विच प्रॉपर्टी विल इट नॉट हैव? अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो ये भी गलत, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यही आंसर है। ओके इट इज नॉट अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टी, सही है सर। वाई नॉट बी? बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं तो ये तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, गलत हो जाएगी। तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं और मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो ये भी गलत। तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ये भी गलत। तो ए इज द राइट आंसर क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लो नहीं होता। जबकि वो क्या कह रहा है आपसे, विच प्रॉपर्टी विल इट नॉट हैव? ठीक है आगे चलें। एन एटम ऑफ एलिमेंट ई फॉर्म्स अ व्हाइट ऑक्साइड ऑफ फॉर्मूला ईओ, व्हाट इज ई? आर्गन, गलत, क्योंकि आर्गन जो है वो तो कंपाउंड्स बनाते नहीं है, वो तो इनर्ट गैसेस होती है, नोबल गैसेस होती है। ठीक है कॉपर, गलत, इसलिए क्योंकि कॉपर जो है वो व्हाइट ऑक्साइड नहीं बनाता है, वो ब्लैक ऑक्साइड बनाता है, ब्लैक कलर का, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है, राइट? आपको याद है मैंने कॉपर ऑक्साइड ब्लैक बताया आपको नोट्स में, तो ये कॉपर भी गलत हो जाएगा। अब मसला ये है कि पोटेशियम और कैल्शियम है, मेरी बात गौर से सुनो। अगर पोटेशियम है तो उसके ऊपर प्लस 1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे चार्जेस को तो फॉर्मूला बनेगा K2O, सही है?
कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, क्योंकि चार्जेस सेम है, चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ फॉर्मूला बनेगा E2O अगर मैं एलिमेंट डी के हिसाब से देखूं, और यहाँ फॉर्मूला बनेगा EO। तो ये फॉर्मूला EO कैल्शियम से टैली हो रहा है, एंड देयरफॉर कैल्शियम इज द राइट आंसर। सही है, ये जो फॉर्मूला EO दिया हुआ था ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैल्शियम। ठीक है, सही है, यहां लिख दीजिए कॉपर फॉर्म्स ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, इसलिए गलत हो गया। पोटेशियम का आपको बता दिया K2O बनाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, फॉर्मूले से टैली नहीं हो रहा। आर्गन तो बेटा नोबल गैस है, वो बनाता ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। ठीक है, प्रोटॉन नंबर ऑफ फोर एलिमेंट्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एलिमेंट क्यू इज अ मेटल, ये रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि प्रोटॉन नंबर 9 जो है वो नॉन मेटल का है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। मैं बता दूं, ये फ्लोरीन का है, ये सोडियम का है, ये क्लोरीन का है, और ये पोटेशियम का है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन मेटल। सोडियम और पोटेशियम क्या हो गया, मेटल। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग। क्यू इज मोर रिएक्टिव देन टी, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो बी आंसर हो सकता है, लेकिन मैं आंसर बी कर देता हूं, लेकिन मैं जरा सी और डी भी रीड कर लेता हूं बेटा। ठीक है, सी और डी भी रीड कर लेते हैं। आर इज मोर रिएक्टिव देन जी, गलत। पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा होती है, बिकॉज डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। टी एंड जी आर इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बेटा टी एंड जी बेटा ये फोर्थ पीरियड में है और ये थर्ड पीरियड में है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आप चेक कर सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। पता है आपको ये करना पड़ेगा कि ये 19 में है, ये 17 में है, आप पीरियोडिक टेबल में गए, आपने देखा 19 और 17 कहां पड़े हैं, ये देखिए ये रहा 19, ये पीरियड फोर्थ है, और ये रहा 17, ये पीरियड 3 है। सही है, पीरियड 1 में हाइड्रोजन हीलियम, ये पीरियड 2, ये पीरियड 3, ये पीरियड 4, समझ आ रही है बात। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक इन सच एरियाज, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बेटा। तो मेरा बी आंसर बिल्कुल ठीक था, और मैं यहां लिख भी देता हूं कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, और बेटा ये नोट्स में लिखा हुआ है आपके, इट्स जस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अलर्ट रहना बॉ। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग फोर मेटल्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी एंड देयर आयंस आर शोन। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फोर मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। बेटा मुझे मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ जाना है। सबसे पहली तो बात ये कि y z प्लस को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब y इज मोर रिएक्टिव देन z, पहली तो बात ये होगी। ठीक है, w x प्लस को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब w, अच्छा इसको तो मैं देख लेता हूं एंड में, लेकिन जरा देखिएगा z x प्लस को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट, तो इसका मतलब z इज मोर रिएक्टिव देन x। तो y की रिएक्टिविटी z से ज्यादा है, z की रिएक्टिविटी x से ज्यादा है,
और x की रिएक्टिविटी w से ज्यादा है, राइट? x की रिएक्टिविटी w से ज्यादा है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा, क्योंकि w उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा. तो आप लिख सकते हैं w इज लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि वो x को डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा. तो y इज मोर रिएक्टिव देन z, z is more reactive than x. So देखो y is more reactive than z, z is more reactive than x, and x is more reactive than w. So c is the right answer. Itna straightforward hai. Theek hai. Metals have a structure of positive ions in a sea of electrons. Metals are malleable because it is possible to force the ions to slide over each other. The alloy brass is malleable, then pure copper, and then pure zinc. Okay. Brass is dashed to conduct electricity. Which words correctly complete gap 1 and 2? Dekho, जो एलॉय होता है ना वो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, राइट? तो वो लेस मेलियबल होता है, और ब्रास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैं यहां लिख देता हूं, ऑल एलॉयस, बल्कि यहां लिख देते हैं एलॉय can conduct electricity due to C of electron. ठीक है ना, ये जो brass alloy होगा ये electricity conduct कर लेगा, और alloy जो होते हैं वो hard हो जाते हैं, आसानी से malleable नहीं होते. तो alloys are less मैलिएबल, यानी आसानी से शीट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, आसानी से स्लाइड नहीं होते, क्योंकि साइज का डिफरेंस हो जाता है एटम्स का, ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका साइज डिफरेंट हो जाता है. जाहिर सी बात है, जिंक का और कॉपर का साइज डिफरेंट होगा, तो इसलिए स्लाइड नहीं कर सकेंगे. एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर. ठीक है बेटे, उसके बाद 28 देखो. विच टू सब्सटेंसेस आर रिमूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस. ये बहुत ही आसान है. ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम से जाहिर सी बात है क्या क्या चीजें रिमूव की जाती हैं. आपको पता है मोल्टन स्लैग रिमूव किया जाता है, इसके अलावा आपको पता है आयरन को भी रिमूव किया जाता है. ठीक है, हम यहां लिख देते हैं मोल्टन आयरन, जो कि हम सेपरेट करते हैं, मोल्टन आयरन एंड स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द बॉटम of the blast furnace. ये फैक्ट है, ये आपके नोट्स में है, ये आपको याद होना चाहिए पूरा स्टेटमेंट. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 and 4. तो डी इज द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29. एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन्स. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम एंड इज ऑल्सो अ रीजन फॉर दिस यूज. इट हैज अ लो डेंसिटी. बिल्कुल सही बात है, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर तो एरोप्लेन को इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे, यूज ही नहीं हो सकेगा. तो अल्फा इज द राइट आंसर. आगे भी चलते हैं. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. भाई एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना जरूरी नहीं है, उसकी डेंसिटी का कम होना जरूरी है ताकि वो एज एन एयरक्राफ्ट में यूज होता है. ठीक है, तो बी भी गलत है, सी भी गलत है. इट इज कवर्ड इन अनरिएक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर होती है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट की लेयर नहीं होती, इसलिए ये भी गलत है.
हाउ कैन द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बी डिस्क्राइब्ड. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है वो ऑब्वियसली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया बनता है, और अमोनिया ये एक हैबर्स प्रोसेस है, और हैबर्स प्रोसेस का रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. इट्स अ फैक्ट. दीज द राइट आंसर. दैट्स एन इजी क्वेश्चन बेटा. 31. बॉटल्ड फूड जूस मे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एडेड. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस. आप जानते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है. सो ये एक्चुअली फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, तमाम बैक्टीरिया वगैरह जितने होते हैं उन सबको किल करने में हेल्प करता है. तो राइट आंसर इज बी, ठीक है. तो आप यहां लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. और फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होगा, hence it is used to kill bacteria in food. 32. Dissolved substances in water can cause eutrophication. How many of the ions can cause this effect. आपको पता है जो nitrate बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, जो फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो बेसिकली यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं. तो नाइट्रेट और फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होंगे भाई, ये दो होंगे. तो ब्रावो इज द राइट आंसर. ये तो बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है. तो आप बताइए, फर्टिलाइजर्स causes eutrophication or fertilizers kaun kaun se hote hain bhai, nitrogen, phosphorus, potassium, npk fertilizer yaad aaya, padhaya tha na, theek hai. Iske baad 33 dekho, which list contain only gases that are always present in an unpolluted air. अनपोल्यूटेड एयर में कौन कौन सी गैसेस हमेशा मौजूद होंगी. तो भाई कौन कौन सी गैसेस हमेशा मौजूद होंगी अनपोल्यूटेड एयर के अंदर. ऑक्सीजन हमेशा होगी, नाइट्रोजन हमेशा होगी, आर्गन होगी, नियॉन होगी, ये गैसेस हमेशा होंगी, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी. तो राइट आंसर इज बी. सर वाई नॉट ए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोल्यूटेड एयर होती है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा. सर वाई नॉट सी बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोल्यूटेड होती है, ओजोन पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है ना, ओजोन डिप्लीशन की वजह से, तो ये भी गलत हो जाएगा. सर वाई नॉट डी बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है ना, कॉजेज एसिड रेन, सॉइल की एसिडिटी को चेंज कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेड होती है, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. मीथेन भी पोल्यूशन कॉज करती है बिकॉज इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग. सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है लेकिन इतना ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं होता जितना ज्यादा बाकी सारी गैसेस का होता है, ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट दैट मच हार्मफुल बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, याद है, इसलिए इतना ज्यादा अनपोल्यूटेड कंसिडर नहीं किया जाएगा इसको, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, इसलिए अनपोल्यूटेड कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट. जस्ट होल्ड इन अ सेकंड बेटा, स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें. 34. One mole of each alkane undergoes complete combustion. Which alkane produces 7 moles of product? 7 moles of product. भाई इधर देखो, ये shortcut दे रहा हूँ मैं आपको. यहाँ से 1 mole of carbon dioxide क्योंकि एक carbon है, और 2 moles of water क्योंकि 4 hydrogen है.
तो टोटल प्रोडक्ट्स कितनी होगी, थ्री, यहां से टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और थ्री मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि छह हाइड्रोजन और दो कार्बन थे, तो यहां से टोटल फाइव मोल्स हो गए, यहां से थ्री मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि तीन कार्बन है और फोर मोल्स ऑफ वाटर क्योंकि चार एट हाइड्रोजन एटम्स है, तो यहां से टोटल प्रोडक्ट कितनी होगी, सेवन, यही वो पूछ रहा है, यही आपका आंसर है, सही है सर। व्हाट अबाउट डी, अबे भाई डी में भी देख लें, फोर कार्बन है तो फोर कार्बन डाइऑक्साइड, टेन हाइड्रोजन एटम्स है तो फाइव मोल्स ऑफ वाटर, तो टोटल मोल्स कितने हो गए यहां पर प्रोडक्ट के, नाइन, ये नाइन मोल्स हो रहे हैं टोटल, ये सेवन मोल्स हो रहे हैं टोटल, ये फाइव मोल्स हो रहे हैं टोटल, आई बिलीव आपको बात समझ में आ रही है, और ये थ्री मोल्स हो रहे हैं टोटल, तो वो सेवन मोल्स पूछ रहा था आपसे, इसलिए सी इज द राइट आंसर। 35, ethanoic acid is formed when ethanol is reacted with acetate potassium magnate 7. What is the name of this process? Oxidation. The right answer is C. Because potassium magnate 7 is an oxidizing agent. Okay, aasan question hai, aapke notes mein likha hua hai. The structure of compound X is shown. 1, 2, 3, 4 carbon ka alcohol hai. Toh iska matlab, ye alcohol hai aapka. Which statement is not correct? Is not correct. Toh option dekhiyega zara. X is an alcohol because it contains an OH group. ये तो बिल्कुल ठीक है, वो कह रहा है not correct. X is an isomer of propanol. ये गलत है क्योंकि propanol का isomer butyl, चार propanol में तीन कार्बन होती है, ये चार कार्बन है. जब कार्बन एटम डिफरेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब वो isomer नहीं होता, क्योंकि isomer में molecular formula same होता है. तो यही आंसर है आपका B. ठीक है सर, why not C? X would burn in air to form carbon dioxide and water. बिल्कुल सही बात है, किसी भी अल्कोहल की जब कंबशन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, तो ये तो ठीक है, वो कह रहा है नॉट करेक्ट, वो कह रहा है एक्स वुड हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि जब कार्बन ज्यादा हो जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है, आपको पढ़ाया मैंने एल्केन्स के अंदर पढ़ाया कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं मॉलिकुलर साइज बढ़ता है, मॉलिकुलर साइज बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रही होती है, तो डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, वो कह रहा है नॉट करेक्ट. After which conversion does the product contain more carbon atom than the reactant? आपको मालूम है कि जब एस्टर बनते हैं तो एस्टर में कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का जो रिएक्शन है वो एस्टर बनाएगा और एस्टर के बनने से कार्बन एटम बढ़ जाएंगे, which is why A is the right answer. ठीक, सही है? नहीं, एक मिनट, वन बाय वन देखिए, ये ईथ और इसमें भी ईथ, ईथ का मतलब क्या है भाई, दो कार्बन, यहां भी दो कार्बन है ना, यानी दो से दो कार्बन, एथेनॉल टू इथेनोइक एसिड है तो इसका मतलब टू कार्बन, तो देयर इज नो चेंज इन कार्बन एटम. इधर देखो ईथ, ईथ यानी यहां पर भी दो कार्बन एटम है और यहां पर भी दो कार्बन एटम है, तो इसका मतलब यहां पर भी कार्बन एटम में चेंज नहीं आ रहा. इधर देखो ईथ, ईथ तो ये भी दो कार्बन एटम है, ये भी दो कार्बन एटम है, इसका मतलब यहां पर भी कार्बन एटम में चेंज नहीं आ रहा. लेकिन लेकिन इधर देखो ये क्या है, ईथ, इसका मतलब दो कार्बन एटम होंगे, लेकिन यहां देखो इथाइल इथानोएट, यहां कितने कार्बन एटम होंगे, चार, तो इसका मतलब कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं बी में, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड में कोई चेंज नहीं हो रहा कार्बन एटम का, सी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, डी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, जब ए रॉन्ग सी रॉन्ग डी रॉन्ग तो करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा बेटा, उसमें आपको वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज बता दीजिए. इथाइल में दो कार्बन, ईथ में दो कार्बन, टोटल चार कार्बन हो जाएंगे. चलिए जी कंप्लीट करते हैं पेपर, थ्री क्वेश्चंस लेफ्ट ओनली, स्टार्ट करें. मॉलिक्यूल वन टू फोर आर अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज दीज हाइड्रोकार्बन्स एज एल्केन्स और एल्कीन्स, यार सबके ऊपर जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सबके ऊपर सी टेन एच टेन टाइम्स टू प्लस टू, तो ये कितना बनेगा भाई, सी टेन एच ट्वेंटी टू, तो ये एल्केन हो गया, इसके ऊपर अप्लाई करो सी टेन एच टेन टाइम्स टू, ये एल्कीन है तो ये हो जाएगा सी टेन एच ट्वेंटी, ये एल्कीन हो गया, ये हो जाएगा सी नाइन एच नाइन टाइम्स टू,
प्लस टू, तो ये हो जाएगा सी नाइन एच ट्वेंटी, ये एल्केन हो गया, ये भी एल्केन हो गया, सही है, ये एल्कीन है। ये बेटा बहुत क्विक करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा सी एट एच एट टाइम्स टू, तो ये हो जाएगा सी एट एच सिक्सटीन, ये आपका एल्कीन हो गया, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो भाई विच रो इज करेक्ट, तो बेटा वन और थ्री एल्कीन है, वन और थ्री एल्केन है, और टू और फोर एल्कीन है, तो राइट आंसर इज बी। विच पॉलीमर कंटेन ओनली थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स, प्रोटीन इज द राइट आंसर। क्यों सर क्यों? क्योंकि भाई प्रोटीन का होता है सी ओ एन एच लिंकेज। अब इसमें देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसमें चार एलिमेंट है, इसमें चार एलिमेंट है, वो कह रहा है थ्री डिफरेंट एलिमेंट, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर होगा स्टार्च आई बिलीव, ठीक है, इसमें चार एटम्स हैं, ये बताना पड़ेगा मुझे। इसलिए ये रॉन्ग है, इसमें दो एटम्स होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसकी ये दोनों गलत हैं। स्टार्च में तीन एटम्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन एटम्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके पास लिखा है नोट्स में, आपको याद होना चाहिए। लास्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट मैक्रोमोलिक्यूल इज करेक्ट, नायलॉन एंड टर्लिन बोथ आर पॉलिएस्टर्स। नहीं भाई गलत हो गया, नायलॉन तो अमाइड है, प्रोटीन एंड नायलॉन हैव द सेम मोनोमर यूनिट, ये भी गलत है क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं मोनोमर, नायलॉन में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गया। प्रोटीन हैव द सेम अमाइड लिंकेज एज नायलॉन, ये बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन और नायलॉन दोनों में सेम लिंकेज होता है, अमाइड लिंकेज होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सर व्हाई नॉट डी, टेरिलीन एंड फैट्स आर एस्टर्स बट विद डिफरेंट लिंकेजेस। ओ भाई फैट और टेरिलीन अगर एस्टर है तो एस्टर का लिंकेज सेम होगा ना, डिफरेंट थोड़ी होगा, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है बेटा।